विधानसभा चुनावों में वीआईपी सीट नदौन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू ने अपना प्रचार अभियान जोरों से शुरू कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान सुखू ने डोर टू डोर जाकर वोट मांगे, साथ ही उन्होंने कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं भी की। कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट डालने की अपील भी लोगों से की। प्रचार अभियान के पहले दिन सुखू ने जलाड़ी, भूमपल, बेला, तिल्लू समेत एक दर्जन गांवों में जाकर प्रचार अभियान किया। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि जीत भविष्य के गर्व में छिपी है और लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ी ताकत है और इसका परिणाम केवल मतदान करने के बाद ही पता लग सकता है। सुखू ने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि इस बार नदौन की जनता कांग्रेस पर विश्वास जताएगी। ये ठीक चल रहा है, पंचायत में हम हर वार्ड में गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सकेगा उन गांव को कवर करेंगे और लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जीत तो भविष्य के गर्भ में है, तक परिणाम नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये राजनीति है और जो सारी लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता है। मतदाता किस समय किस तरफ जाए ये तो जब वोट डाल के आएगा उसी समय उसका पता लगेगा। कांग्रेस पार्टी में बागी उम्मीदवारों के उतरने पर सुखू ने कहा कि 26 अक्टूबर तक पार्टी के बागी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लेंगे, नहीं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि ठियोग सीट पर विद्या स्टोक्स पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है, जबकि दीपक राठौर ने गलती से नामांकन भर दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से दीपक राठौर को आदेश दे दिए गए हैं कि वे अपना नामांकन वापस लें। नहीं, पक्का 26 तारीख तक सबको नामांकन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहाँ हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट श्रीमती विद्या स्टोक जी है, राठौर जी ने गलती से जो नामांकन भरा उनको कह दिया गया कि आप विड्रॉ कीजिए। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों पर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वे प्रदेश भर में प्रचार करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियां ऊना, चंबा और सिरमौर में होने जा रही हैं। हमारे तो कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक होते क्योंकि वो हर गांव में निवास करते हैं और वहां अपनी बात को रखते हैं। इसके अलावा जो बड़े स्टार प्रचारक है, जिन नेताओं के दम पर अपनी बात रखते हैं, वो हमारे सभी बड़े वरिष्ठ नेता, राहुल जी और सोनिया जी का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उनके अलावा जो हमारे राज्य के वरिष्ठ नेता है वो सब भी स्टार प्रचारक के रूप में। कोई नदौन के लिए भी है प्लान ऐसा? नहीं, नदौन के लिए अभी नहीं, लेकिन ऊना में और क्या कहते सिरमौर में और चंबा में हमारे राहुल जी और सोनिया जी की रैलियाँ होंगी। बिल्कुल जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, अपने लिए नहीं, हम पार्टी के लिए, अपने लिए। जब अपने लिए सोचने की बात आती तो हमें त्याग की भी सोचना चाहिए। हम ये सोच कर चलेंगे कि सिर्फ मैं ही जीतूं और जो हमारे उम्मीदवार हैं वो ना जीते, तो ये गलत बात है। बाहर कई जगह जाएंगे।